कपूर खानदान हिंदी फिल्म जगत में एक ऐसा परिवार है जो अपने दर्शकों का कई दशक से मनोरंजन करते हुए आए हैं। पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर से लेकर ऋषि कपूर और रणबीर कपूर, करिश्मा और करीना तक दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं रणधीर कपूर के बारे में। रणधीर कपूर मशहूर एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर और कृष्णा कपूर के बड़े बेटे हैं। नमस्कार, फिल्म तराना चैनल के एक और बेहतरीन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रणधीर का जन्म 15 फरवरी 1947 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने महज 8 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म श्री 420 और दो उस्ताद सहित कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। बतौर हीरो उन्होंने फिल्म कल आज और कल से डेब्यू किया था। सन 1971 में रणधीर कपूर की पहली फिल्म कल आज और कल के साथ वे सिनेमा में दिखाई दिए और ये फिल्म सुपरहिट गई। इस फिल्म में कपूर परिवार की तीन पीढ़ियां जैसे दादा पृथ्वीराज कपूर, पिता राज कपूर और रणधीर कपूर सहित उपस्थित थी। इस फिल्म के बाद निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित रामपुर का लक्ष्मण, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा शामिल थे, एवं जया बच्चन के साथ जवानी दीवानी, दोनों फिल्में सुपरहिट रहीं। रणधीर कपूर की कुछ अन्य प्रसिद्ध फिल्मों में मामा भांजा, चाचा भतीजा, खलीफा, हाथ की सफाई, कस्मे वादे, बीवी ओ बीवी और पुकार शामिल हैं। एक अभिनेता के रूप में वे सामान्य तरीके से सफल रहे। रणधीर कपूर ने खजाना फिल्म के बाद 15 सालों तक फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और फिल्मों के निर्माण एवं निर्देशन के कार्यों में स्वयं को व्यस्त कर लिया। सन 1999 में फिल्म मदर से वापसी की। इसके बाद 2003 में फिल्म अरमान में काम करने के बाद उन्होंने फिर कभी फिल्मों में काम नहीं किया। कुछ सालों बाद वे फिर से फिल्म हाउसफुल और सुपर नानी में नजर आए थे। रणधीर कपूर ने सन 1975 में धर्मकर्म जैसी फिल्म का निर्देशन किया, लेकिन ये नाकाम रही। सन 91 में फिल्म हिना का निर्देशन इनके द्वारा ही किया गया, जो कि सुपरहिट। इस फिल्म में अभिनेता ऋषि कपूर और पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा अख्तियार ने मुख्य भूमिका निभाई थी और सन 85 में उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली का निर्माण किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी जीता। कपूर खानदान में रणधीर कपूर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी की हुई बगावत के लिए ज्यादा आते हैं। रणधीर कपूर की पहली फिल्म कल आज और कल की शूटिंग के दौरान ही रणधीर कपूर की मुलाकात बबीता से हुई, जो उस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही थी। उसी फिल्म से दोनों में प्यार पनपा और प्यार आगे बढ़ा। रणधीर को बबीता से इतनी मोहब्बत थी कि वे उनसे शादी करने के लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। दरअसल जब रणधीर ने बबीता से शादी करने की बात कही तो पूरा परिवार इसके खिलाफ था। दरअसल तब कपूर खानदान में किसी अभिनेत्री से शादी करना अपराध माना जाता था। बबीता के प्यार में डूबे रणधीर अपने ही परिवार की इस परंपरा के खिलाफ चले गए। राज कपूर बबीता को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने को तैयार थे, लेकिन घर की बहू नहीं। पिता की मुखालफत के बावजूद रणधीर और बबीता का प्यार जारी रहा। वक्त बीतने के साथ रणधीर और बबीता का सब्र जवाब देने लगा। बबीता ने धमकी दे दी कि अगर रणधीर उनसे शादी नहीं करते तो वे उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। रणधीर ने एक बार फिर परिवार को मनाने की कोशिश की और इस बार वे सफल भी हुए। हालांकि शर्त रखी गई कि शादी के बाद बबीता फिल्मों में काम नहीं करेंगी। बबीता रणधीर से बेइंतहा प्यार करती थी और उन्होंने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। 6 नवंबर 1971 को रणधीर कपूर और बबीता की शादी धामधूम से हुई। इस शादी में कई बड़े सितारे शामिल हुए। उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सन 1974 में पहली बेटी करिश्मा का जन्म हुआ, लेकिन 1981 तक रणधीर और बबीता के शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आनी शुरू हो गई। दरअसल 1980 के दशक में रणधीर की फिल्में फ्लॉप होने लगी। उनका करियर ढलान की ओर जाने लगा।
आर्थिक दिक्कतें भी शुरू हो गई। इस कारण रणधीर ज्यादा पीने लगे और अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसका असर उनकी शादी पर भी पड़ा। 1987 में बबीता ने रणधीर कपूर से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। रणधीर और बबीता की दो बेटियां अभिनेत्री करीना कपूर और करिश्मा कपूर हैं। अलग होने के बाद बबीता अपनी दोनों बेटियों करीना और करिश्मा के साथ रहती थी, वहीं रणधीर अकेले रहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान रणधीर ने अपने रिश्तों को लेकर काफी बात की थी। उन्होंने कहा था कि बबीता उनके शराब पीने से नाराज थी। हमारी लव मैरिज थी लेकिन सोच अलग थी, इसलिए हमारे बीच दूरियां बनती चली गईं। बबीता ने बड़ी हिम्मत के साथ माँ की जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने कपूर खानदान की परंपरा को तोड़ते हुए अपनी दोनों बेटियों करिश्मा और करीना को फिल्मों में काम करने की रजामंदी दिलाई। रणधीर कपूर ने रिक्शा वाला, हाथ की सफाई, दिल दीवाना, लफंगे, धर्म करम, आज का महात्मा, चाचा भतीजा, कस्मे वादे, हीरा लाल पन्ना लाल जैसी फिल्मों में काम। आपके चहेते कलाकार रणधीर कपूर के बारे में बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अपने चहेते कलाकारों के बारे में ऐसे ही अनकही, अनसुनी और रोचक बातें जानने के लिए फिल्म चैनल से जुड़े रहिए। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।